अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। फराज, जिसने कि दुआ को अपने घर तो बुला लिया, अपने नहीं बल्कि किसी और के घर, और ये भी भूल गया कि एक लड़की दुल्हन बनी उसका इंतज़ार कर रही है। जब दुआ के माँ बाप लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि दुआ तो दुल्हन के साथ है ही नहीं, वो तो 2 घंटे पहले ही निकल गई। तो बाप तो वहीं पर शोर मचाना शुरू कर देता है कि जान नहीं छोड़ूंगा, तुम सब लोगों का बहुत बुरा हाल करूंगा, मुझे बता दो दुआ कहाँ है और दुआ को अभी इसी वक्त ले के आओ, नहीं तो इस घर से कोई डोली नहीं उठेगी। और दुआ को तो अपनी होश नहीं कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। दुआ तो फराज से मिलने गई थी, लेकिन फराज के इरादे तो बहुत ही ज़्यादा गलत निकले। उसने दुआ को जूस में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिसके पीते ही दुआ अपने हवासों में नहीं रही और आहिस्ता आहिस्ता हवास भागता होना शुरू हो गई, और देखते ही देखते दुआ बेहोश होकर गिर गई। फराज ने ऐसे तो ये जूस नहीं पिलाया, ऐसे तो दुआ को बेहोश नहीं किया, इसके पीछे फराज की कोई ना कोई चाल तो है। दुआ की इज्जत तो ख़राब करके ही रहेगा फराज। अब इस वक्त तो नौशरवां भी नहीं है जो दुआ को यहाँ से बचा ले, क्योंकि उस पर भी किसी ने हमला कर दिया, वो हॉस्पिटल में है और उसका ऑपरेट जारी है। यहाँ पर पता क्या चलता है कि दुआ के पास फ़ोन भी है जो उसकी दोस्त बताती है, और बाप सारा का सारा मलबा माँ पर गिराता है कि तुम्हारी वजह से उसको पढ़ने के लिए भेजा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ और आज बेटी ऐसे मेरे मुँह पर कालक पहुँच के चली गई। नौशरवां का ऑपरेट हो रहा है, तो क्या नौशरवां के ना होते हुए दुआ यहाँ से बच पाएगी, फराज के चुंगल के निकल के यहाँ से चली जाएगी? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।